वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले टॉपिक समझा देता हूँ मैं एक्चुअली किस चीज पर है। तो दोस्तों टिकटॉक जो है आपके लिए कुछ खबरी है कि टिकटॉक जो फिर से जो है बैन हट चुकी है, मद्रास कोर्ट ने इसकी बैन हटा दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि टिकटॉक पर बैन कैसे हटी, किस प्रकार से हटी और किन कंडीशंस पर हटी है। उसी के साथ दोस्तों बताऊंगा टिकटॉक पर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, इनकम कैसे कमा सकते हैं आने वाले समय में। उसी के साथ दोस्तों बताऊंगा कि टिकटॉक को आप कैसे जो है सेफ रख सकते हैं और इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल न्यूडे जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने की सूचना मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं कि टिकटॉक जो है बैन हुई थी जिन 2 लाख लोगों को लगभग नहीं पता है जो टिकटॉक यूज नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि टिकटॉक पर बैन लग चुकी थी, मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर जो है बैन लगा दी थी। इसके जो अजलील जो कंटेंट था, इस पर जो आपत्तिजनक वीडियो थे जो बच्चों के ऊपर जो है दिमाग में गलत फेर डाल रहे थे, एक्चुअली इसका वीडियो मैंने 3-4 महीने पहले ही बना दिया था। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि टिकटॉक को जो है कुछ गलत कंटेंट डल रहा है। मैंने हेल्प करने की कोशिश की थी लेकिन जो लोग नहीं समझे तो नहीं समझे और वो बैन हुआ। अब एक्चुअली इसकी बैन हटा दी गई है लेकिन इसके काफी सारे जो है $5 मिलियन का जो इसका नुकसान हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी बैन की कंडीशन पर रही है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 22 अप्रैल को होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको आगे बढ़ाकर 24 अप्रैल फिर कर दिया गया। 24 अप्रैल को उन्होंने निर्णय लिया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है टिकटॉक बैन करने का, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो उसके अजली जो भी कंटेंट था जो वीडियोस थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, परमानेंटली डिलीट कर दिए गए हैं। अब जो है टिकटॉक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है कि इस तरह से आगे से कोई कंटेंट नहीं रहना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली कंडीशन हमारी यही रहेगी कि आगे से इस पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट न डाले। एक भी बार अगर अब एक भी वीडियो कंटेंट में आया या फिर कुछ ऐसे कंटेंट लगातार वायरल हो गए तो जो है इसको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, परमानेंटली हटा दिया जाएगा। उसी के साथ दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये रखा है कि इस पर जो भी यूजर्स आएंगे, नए यूजर्स आएंगे वो 18 ईयर से ऊपर होंगे। और तीसरी चीज ये है कि जो पहले से बना रखे थे 18 ईयर से नीचे वाले उनको बैन कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा उनका अकाउंट। अब ये तो थी कुछ बातें, अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली टिकटॉक तो बैन तो हट चुकी है, टिकटॉक यूजर्स काफी खुश भी हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मेक कर सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। अब एक्चुअली बात कर लेते हैं टिकटॉक पर मोनेटाइजेशन की। अब देखिए दोस्तों टिकटॉक ने कहा है कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि टिकटॉक के अंदर मोनेटाइजेशन का फीचर जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अब एक्चुअली मोनेटाइजेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। मोनेटाइजेशन एक यूट्यूब पर आपने जाना होगा कि यूट्यूब वाले पैसे कैसे दे सकते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पर काफी सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन एक ऐसा तरीका जो है सबसे ज्यादा, सबसे फेयर, जहां से सबसे ज्यादा इनकम होती है वो है मोनेटाइजेशन। अब इससे क्या होता है कि आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है जैसे यूट्यूब पर होती है। अब एक्चुअली क्या होगा कि कुछ कंपनी वाले आएंगे, अब टिकटॉक ज्यादा देखने लगे तो कंपनी वाले क्या सोचेंगे कि टिकटॉक की तरफ भागेंगे कि यार यहाँ पर लोग ज्यादा देख रहे हैं तो अपने एड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट देंगे तो उनका जो प्रोडक्ट जो है डेवलप होगा, प्रोडक्ट डेवलप होगा, इसलिए वो वहां पर मोनेटाइजेशन देंगे, एड देंगे। अब एड देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे तो पैसे भी देंगे, पैसे टिकटॉक डेवलपर्स को मिलेंगे। अब टिकटॉक डेवलपर्स क्या करेंगे कि 45% पैसे खुद रख लेंगे और 55% आपको दे देंगे। और वही सिस्टम इसमें चलने वाला है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा फीचर यही सिस्टम चले कि $100 के जैसे हो जाएंगे आपके, उसके बाद में आपकी इनकम आने लग जाएगी, मतलब 6,000-6,500 रुपए से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में जैसे जैसे आप वीडियो ज्यादा डालोगे तो आप अपना कंटेंट बनाएंगे, जितने ज्यादा वीडियो डालेंगे उतने ज्यादा एड आएंगे, उतने ज्यादा एड आएंगे उतना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा, रिवेन्यू जितना ज्यादा जनरेट होगा उतनी ज्यादा आपको जो है इनकम होगी, और जितनी ज्यादा आपको इनकम होगी उतनी ज्यादा पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से आप जो है जनरेट कर सकते हैं अपनी मनी। और इसके साथ साथ दोस्तों और तरीके भी हैं जो है टिकटॉक पर पैसे कमाने के, वो है मतलब स्पॉन्सरशिप वगैरह का। मतलब टिकटॉक के जरिए आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है कि इस ऐप की स्पॉन्सरशिप कर दीजिए इसके ऊपर, इस तरह से जो है टिकटॉक से पैसे कमाए जा सकते हैं। और भी काफी तरीके हैं, इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं इसके बारे में क्योंकि मोनेटाइजेशन काफी बेस्ट तरीका है जो आने वाले। तो अपना कंटेंट बनाए रखिए अभी से ताकि आपको मोनेटाइजेशन जल्दी मिले, जल्दी ऑन हो, जल्दी इनकम हो, ज्यादा इनकम हो। उसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो टिकटॉक बैन हुआ था ये केवल जो टिकटॉक डेवलपर्स की गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती है सारा। कुछ लोग तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि यार फोन चल रहा था टिकटॉक के ऊपर, मैंने तो देखा ही नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा कोई कंटेंट देखने को मिले, मैं टिकटॉक की बात नहीं करूंगा, किसी भी एप्लीकेशन पर, भले ही वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, यूट्यूब ने भी फोन बैन कर रखा है तो यूट्यूब ही क्यों ना हो, आप जो जैसे ही ऐसे आप कंटेंट दिखे तो अपना जिम्मेदारी निभाए, अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हुए आप उस वीडियो पर रिपोर्ट कीजिए। तुरंत ही रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, टिकटॉक में भी आता है, यूट्यूब
भी वेदर लगभग सभी ऐप में आता है, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सभी ऐप लेते हैं। तो आपको जो है उस पर रिपोर्ट करनी चाहिए तुरंत ही, वो आपको जो है उसको रिपोर्ट करते ही जो उनको जो छानबीन करने के लिए उन वीडियो की जो है हेल्प मिलती है, और फिर उसे देखते हैं, यदि ऐसा कंटेंट रहता है तो उसे रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये अपनी जिम्मेदारी भी इसी के साथ साथ लेकर चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में टिकटॉक के बारे में काफी सारी जानकारी, आने वाले वीडियो में टिकटॉक पर कैसे मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, कैसे पैसे इनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इनकम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसमें एडिशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या है एडिशनल अकाउंट, कैसे हमारे बैंक में पैसे आएंगे, किस तरह से हम बैंक में पैसे ला सकते हैं, किस तरह से हम जो है पूरा प्रोसेस होगी इसकी, किस तरह से पिन जनरेट होगा, इस सभी बातों पर चर्चा करूंगा मैं आने वाले वीडियोज में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।